नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले धर्मेंद्र जैन प्रदेश उपाध्यक्ष पंचायती राज के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय सागवाड़ा में सौंपा गया ज्ञापन। सागवाड़ा उपखंड अधिकारी राजीव द्विवेदी को ज्ञापन देकर बताया कि कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से संगठन कार्यरत है और उनकी मांगों पर विचार कर शीघ्र निस्तारण किया जाए, अन्यथा पूरे प्रदेश में राज्यव्यापी आंदोलन होगा। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र जैन, चिराग वैष्णव सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे। ये कर्मचारी संयुक्त कर्मचारी संघ की तरफ से दिया गया है और ये पूरे प्रदेश का कार्यक्रम है, जिसमें उपखंड कार्यालय स्तर पर ये ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के बारे में बताया गया है। जैसा कि ठेका प्रणाली खत्म करना, कोविड के बाद कर्मचारियों की 50 लाख की जो मांग है उन्हें 50 लाख रुपए तक की राशि देने की बात की गई है इसमें, और बहुत से मुद्दे जैसे अनुकंपा नियुक्ति में अगर किसी का पुत्र नहीं है तो उसकी विवाहिता पुत्र भी हो तो उसे भी ये लाभ दिया जाए। अन्य कई मांगे हैं, जैसे कनिष्ठ लिपिक है वो वरिष्ठ लिपिक में जाता है तो उसके ग्रेड पे की जो संशोधन की बात है वो भी इसमें कही गई है। और इस बार उपखंड कार्यालय पर सभी जगह जिले में दिए जा रहे हैं पूरे राजस्थान में, अगर इससे भी अगर हल नहीं निकलता है तो ये राज्यव्यापी आंदोलन होगा और इस संगठन के माध्यम से सरकार को आगाह किया जाएगा। ये सर संयुक्त कर्मचारी महासंघ की तरफ से दिया गया है। हाँ, मैं धर्मेंद्र जैन प्रदेश उपाध्यक्ष पंचायती राज, मैं उसका एक घटक हूँ। जी सर, सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।